हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सुपर भात, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सारे के सारे मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि यार आप लोग जानते होंगे, हमने आप लोगों को पिछली वाली जो वीडियो थी उस वीडियो में आप लोगों को गुमाई गांव में भात खाने की तक की वीडियो दिखाई, मतलब 1:30-2 बजे तक, जहाँ तक कि हमने आपको दिखाया हल्दी हाथ हुआ, हल्दी हाथ के बाद आरती, और आरती के बाद फिर खाना पीना गाँव वालों के लिए वहाँ परोसा गया। तो वहाँ तक की वीडियो हमने आप लोगों को दिखाई, और आज की वीडियो में हम लोग आप लोगों को दिखा रहे हैं बारात प्रस्थान से लेकर के और बारात की विदाई तक का। तो बारात प्रस्थान यहाँ पर हुआ रात को, क्योंकि बारात आ रही थी दूर से, दिल्ली से बारात आ रही थी, और बारात आने की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा जो है डिले भी हो गया था। बारात को बहुत लेट आ गई, बारात आई 10:30-11 बजे के करीबन गांव में। तो वहाँ से शुरू करते हैं, नाइट का थोड़ा सा कुछ कुछ फुटेज है वो मैंने ले रखी है, आप लोग उनको देखो। और सबसे मेन चीज़ है, बारात के साथ हमारा थोड़ा घपरोल हो गया वहाँ पर गेट पे, है ना, तो आप उसको भी इंजॉय करना। घपरोल तो बहुत भयंकर ही वाला हो गया था वो। तो चलो फिर उसके बाद मैं आपको आज वीडियो मिलता हूँ। तो आज की जो वीडियो है ना, आपको बारात प्रस्थान से लेकर और लास्ट में विदाई का जो मोमेंट होता है वो बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। तो आप ना इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट में विदाई जो दुल्हन की विदाई है वो बहुत ही इमोशनल पॉइंट था। और उस समय ना, जिस समय दुल्हन थोड़ा सा इमोशनल थी, उस समय मेरे को कैमरा चलाते वक्त भी रोना आ गया था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। मैं भी खुद इमोशनल हो गया था यार, मतलब ऐसे, मतलब दिल में ना, पूरे बॉडी में ना रोंगटे खड़े हो गए थे, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको। तो आप इस वीडियो का एंजॉय करो और फिर मैं आपको आगे वीडियो मिलता हूँ। सबसे पहले वीडियो का प्रस्थान हमारे जहाँ पर रिफ्रेशमेंट पॉइंट था बारात घर, तो आप रिफ्रेशमेंट पॉइंट पे बारात आ चुकी थी, तो वहाँ से हम शुरू करते हैं। और थोड़ा बहुत आप इस सिनेमैटिक्स के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, बारात तो पहुंच चुकी है हमारे यहाँ पर, जहाँ पर बस स्टॉप है, और यहाँ पर पटाखे से स्वागत किया जा रहा है बारात का। तो मतलब पटाखे फोड़े जा रहे हैं यहाँ पर, और बारात के द्वारा ही फोड़े जा रहे हैं, बारातियों के द्वारा। हम तो बस सिर्फ यहाँ पर, और अब जो बारात है जो पहुंच चुकी है हमारे रिफ्रेशमेंट पॉइंट पे, तो ये हमारा रिफ्रेशमेंट पॉइंट, यहाँ पर बारात घर है हमारा। एक्चुअली में मैं पूरा वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि यार मैं इधर उधर टाइम आया था, और दूसरा क्या था कि यार जो है इधर उधर होने की वजह से क्या था कि कहीं कामों में बिजी था, कभी वीडियो एडिटिंग, कभी डेली ब्लॉगिंग के साथ थोड़ा बहुत दिक्कत हो ही जाती है यार, कि आप लोग इधर, मैं इधर उधर रहता हूँ, कैमरा भी हर जगह मेरे पास ही नहीं रहता है। और तो यहाँ पर रिफ्रेशमेंट पॉइंट पे हम पहुँच चुके हैं, और रिफ्रेशमेंट पॉइंट पे यहाँ पर थोड़ा मंदार के साथ दुल यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर कुछ फोटोज हैं रिफ्रेशमेंट पॉइंट की हमारे गाँव के लड़कों के साथ, और एक सिनेमैटिक साफ के। अंधेरा बहुत है यार, 10:30-11 बजे पहाड़ों में ना बिल्कुल रात पड़ जाती है, मतलब आधा रात हो जाती है, तो उस समय जरा कैमरे का भी रात को चमक रहा। तो यहाँ पर इंजॉय टाइम इंजॉय करो आप लड़कों के साथ। इसके बाद हम लेके चलते हैं आपको मेन गेट पे, और गेट पर कुछ लड़कों की तस्वीर यहाँ पर इस तरह से वेलकम के लिए सारे के सारे लोग खड़े हो रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर जरा थोड़ा सा हमारा ना बारातियों के साथ घपरोल हो गया था यार, तो घपरोल आप घपरोल का इंजॉय करो, देखो यहाँ पर घपरोल हो रहा बहुत भयंकर वाला। तो हमने पहले उनको डिमांड रखी कि हम बाहर जा रहे हैं, पैसे लेंगे। वैसे हमारी डिमांड ये थी कि हमने 1 ही फोटो लेना, इससे ज़्यादा हमने उनसे पैसे नहीं लेने हैं, ठीक है। तो हमने 5,000 पहले अपने जो बोलते हैं सारे के सारे ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, तो हमने भी बड़ा चढ़ा के बोलते हैं 5,000 रुपये। और फिर धीरे धीरे करके हमें 2-3 स्टेप बाद हम आ गए थे 2100 पे, तो 2100 पे हम रुक गए। हमने कहा 2100 हमारे लिए काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बराती वाले भड़क गए भाई, भड़क ही गए थी, तो दूल्हे का भाई था, भाई वो बोल धमकी देने लग गया कि हम दिल्ली वाले हैं, ये है तो है। तो यहाँ पर हमारे गाँव के लड़के भी भड़कने लग गए थे उनसे कि तुम दिल्ली वाले हो तो हम भी पहाड़ वाले हैं, हम किसी से कम थोड़ी नहीं है। तो यार बहुत भयंकर वाला घपरोल यार, आप देख सकते हो वीडियो में बहुत ही ज़्यादा, मतलब वीडियो बहुत लंबी थी है, मैंने शॉर्ट कर रखे कुछ पार्ट ले रखे,
यार बहुत ही ज्यादा बहिष्कारी हो गई थी, बहुत सारा प्रॉब्लम थी यार, जिसकी वजह से ना मैनेज उनको वो मैनेज नहीं हुई, और लास्ट में उन लोगों ने ना हमें पैसे भी नहीं दिए यार, हमने ऐसे गेट खोल दिया उनके लिए, गेट भी दूल्हे नहीं काटा, गेट भी रिबन भी हमने हम ही लोगों ने काटा यार। हम क्या करते, लड़ाई तो कर नहीं सकते थे यार किसी की शादी में, है ना, तो इसलिए हमने उनको गेट खोल दिया, सीधा ऐसे जाने दिया, हमने कहा हमें पैसे बिल्कुल एक रुपये नहीं चाहिए आप लोगों का, आप लोग ऐसा करो कि बिना रिबन बिना पैसे दिए ही अंदर आ जाओ, रिबन हम काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दिल्ली वाले आ गए यार, थोड़ी देर में यार राजनीति भी शुरू हो गई थी, उन्हें केजरीवाल हाय हाय के नारे लग रहे थे यार। तो दूल्हे का भाई कह रहे हम दिल्ली वाले हैं, दूल्हे का भाई तो हमें ऐसा समझ रहा था जिसको बिल्कुल मूर्ख टाइप का, ये सारे के सारे जैसे चूतिया होंगे ऐसा समझ रहा था, क्योंकि वो हमें बताओ क्या कर रहा था, अमेरिका का डॉलर दे रहा था यार, और उस डॉलर की वैल्यू बताओ कितनी है, 70 रुपये या 75 रुपये है, तो वो हमें डॉलर दे के ऐसा फील करा रहा था कि जैसे कि हम डॉलर की वैल्यू नहीं जानते होंगे क्या आएगी, है ना, तो ऐसा भी मत समझो यार, जो लेके बाईस का रिक्वेस्ट थी हमारी कि हमें इस वक्त चूतिया भी मत समझो कि आप हम जानते नहीं होंगे डॉलर का भाव क्या चल रहा है, तो 70 रुपये की औकात है कि हम गेट पे इतना इनके लिए हम कर रहे थे, इनके लिए रिप्लेसमेंट पॉइंट, इनके लिए भाई साहब इनके लिए हमने गर्म पानी तक किया था यार वहाँ पर, ठीक है, मुँह हाथ धोने के लिए, इनके लिए पानी पीने की व्यवस्था हमने गर्म की थी, मतलब व्यवस्था इनके लिए हमने A1 कर रखी थी, मतलब जितनी हमसे हो सके ना उतनी कर रखी थी, बट इन्होंने ना हमारी इज्जत का फलौदा बना रखा था पूरा का पूरा भाई, दारू पी के आ रखे थे सारे के सारे, इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है, दारू पी के आ रखे थे यार, उल्टी सुलटी बातें कर रहे थे, उल्टी सुलटी बातें, अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ, बस मैं इस समय यही बोल सकता हूँ यार कि इन्होंने ना हमारी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा यार, सही बात ही है। ये तो धमकी देने तो उतर गए थे हमको यार, सही बता रहे, धमकी दे रहे थे हमको लोगों को यार, ये आज की डेट में क्या होता है बताओ, 2100 कोई बड़ी वो है डिमांड, आप ही बताओ कमेंट करके बताना, आप 2100 रुपये कोई गेट पे स्वागत के लिए 2100 रुपये मांगे तो वो आपको कैसा लगता है कि ज्यादा है या कम है, मेरे हिसाब से बिल्कुल कम है यार, 2100 तो हर कोई दे सकता है यार। तो अब ले चलते हैं आपको सीधा सुबह के जहाँ पर फेरे होते हुए, फेरे के टाइम पे आपको लेके चलते हैं, तो उसका काम तो फिनिश हो चुका है, घबरोल जो हो रहा था वो हो चुका है, अब दुल्हन दूल्हा और दुल्हन की जो है फेरे का टाइम हो चुका है, वहाँ फेरों का एंजॉय करो, सुबह 4 बजे का टाइम है ये, भाई पूरे रात जागे रहे हम, सोए बिल्कुल नहीं है, इसलिए ना गले की पूरी रेल बन चुकी है, तो आप इसका एंजॉय करो थोड़ा सा दुल्हन के साथ, फेरों का वीडियो मैंने पूरी नहीं बना रखी है, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो थी, मैंने इसलिए शॉर्ट कुछ कर रखा है, आप समझ ही सकते हो ना, तो वैसे भी ये वीडियो वैसे बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट करके इतना तक लाया हूँ, ठीक है, 1.5-2 घंटे की वीडियो थी, ठीक है, कई मोमेंट तो ऐसे है कि जो मैंने काट दिया है, ठीक है, तो ये शादी हो रही है रात 4 बजे सुबह के टाइम पे, यहाँ पर दुल्हन के भाई के द्वारा यहाँ पर जो खील होते हैं, खिलबता से जो होते हैं खील होते हैं ना, वो आग में समर्पित किए जा रहे हैं, अब इसका मतलब क्या होता है मुझे खुद नहीं पता है, वो पंडित जी को ही पता होगा क्या क्या मतलब होता है इसका, अगर जिसको पता है वो कमेंट करके जरूर बताना क्या मतलब होता है इसका, नाइट बारात जो होती है ना, नाइट बारात में जो दूल्हा दुल्हन के फेरे वगैरह होते हैं वो सब सुबह की टाइम होते हैं, 4 बजे के 4 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं, अब 6 बजे तक या 7 बजे तक, इतने लगभग 2-3 घंटे तक ये काम चलता है उनका, पूरी प्रोसेस 7 फेरे हो गए, बस जो उनके बचन होते हैं 7 बचन वो सारे के सारे सुबह के 4 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं। गाइज गुड मॉर्निंग हो चुकी है और गुड मॉर्निंग 7 बजे के टाइम पे मैं आपको सुबह का टाइम दिखा रहा हूँ, और अब जो है माहौल थोड़ा सा चेंज हो चुका है पूरा का पूरा, कुछ सिनेमैटिक्स है दूल्हा दुल्हन की, ये कन्यादान हो रहा है यहाँ पर, तो कन्यादान यहाँ पर गायदान हो रहा है, गायदान मतलब कन्यादान के बराबर होता है, तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया है कि
ये कन्यादान बराबर होता है और वो बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो कन्या का दान करते हैं और करते हैं या मामा करता है लड़की का या लड़का, तो उनके द्वारा जो ये गाय दान किया जाता है वो कन्यादान के बराबर होता है। तो इसे कहते हैं सस्पेंड भाई, जो भी परिवार के लोग होते हैं या गांव के लोग होते हैं वो दूल्हा दुल्हन को मिठाई लगा के उनको जो भी दान दक्षिणा देते हैं तो वो देते हैं, जैसे साड़ी ब्लोज मिठाई हो गई या लिफाफे में पैसे हो गए या माला हो गई, वो सारे लोग इसको दूल्हा और दुल्हन को प्रोवाइड कराते हैं, गाँव के लोग हो गए या गाँव के लोग या फिर उनके परिवार के लोग। अब है दुल्हन की मिठाई का टाइम, तो आप इसका इंजॉय करो, ये बहुत ही इमोशनल पॉइंट है इस शादी का यार, बहुत ही इमोशनल पॉइंट, तो आप इसको देखो यार। मैं तो खुद ही इमोशनल हो गया था, मेरे आंखों से आंसू आने लग गए थे, बट क्या करता मैं। वीडियो को जितनी बार देख रहा था मेरे आंखों में उतनी बार आंसू आ रहे हैं, कसम से इतना ही बता रहा हूं मैं आपको यार। बहुत ही इमोशनल मोमेंट है, बहुत ही इमोशनल मोमेंट, क्या बता सकता हूँ उसके बारे में आपको। बारात अब पहुंच चुकी है पांडव के मंदिर में, जो हमारे गांव का मेन चौक है, और उसमें दूल्हा दुल्हन आशीर्वाद लेंगे भगवान जी से, और फिर इसके बाद हम वीडियो को आगे चल के आपको विदाई के लास्ट पॉइंट पे लेके चलते हैं। तो ये हमारे गांव की गलियां हैं जो कि रोड के लिए निकलती है, और यहाँ पर मंदिर से जो उन्होंने भगवान जी का आशीर्वाद था वो ले चुके हैं, और उसके बाद दूल्हा दुल्हन के साथ हम आगे आपको लेके चलते हैं नीचे रोड की तरफ। यहाँ पर दुल्हन आ चुकी है, अब इसके बाद हम आपको आगे ले चलते हैं। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं यार रोड के नजदीक पे हैं, बड़ा हुई जा रही है जैसे आप देख रहे हो, और ये लास्ट मोमेंट है, और इसके बाद दूल्हा दुल्हन गाड़ी में बैठेंगे और फिर अपने प्रस्थान, दुल्हन अपने ससुराल के लिए और दूल्हा अपने मायके के लिए प्रस्थान करेंगे। तो गाइस बारात निकल चुकी है यहाँ से, जैसा कि आप गाड़ी में देख ही रहे होंगे। सो फाइनली गाइज बारात तो निकल चुकी है दिल्ली के लिए, तो यार ये सारे के सारे मोमेंट जो थे वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। तो अभी क्या है कि जो ना कान है ना बिल्कुल सुन्न पड़े हुए हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे 3-4-5 दिन से हम शादी ही अटेंड कर रहे हैं, तो उसके चक्कर में क्या हुआ कि ना हम शादियों जब ढोल दबाव की आवाज़ बंद हो गई या डीजे की आवाज़ बंद हो गई, कान बिल्कुल सुन्न हो गए, उन्हें ऐसा लग रहा जाप पड़ गया होगा कोई, है ना। तो ऐसा यार सीन, तो अब क्या है कि शादियों की वीडियो ख़त्म हो चुकी है, और कल की वीडियो में आपको मिलने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त हल्दी हाथ का मोमेंट, जिसमें कि हमारे गांव के सारी लेडीज़ें
की वीडियो मिलेगी, वीडियो मिलेगी साथ साथ में आपको उसके साथ एक गाना भी मिलेगा, ठीक है, जो कि पांडावास उसके द्वारा है, पांडावास एक चैनल है उसके द्वारा क्रिएट किया गया गाना है। तो उस गाने के द्वारा मैं इस आप लोगों को एक जो है सिनेमैटिक्स के तौर पे एक हल्दी हाथ का गाना दिखाऊंगा, बहुत ही ज़बरदस्त है, थोड़ा लंबा है 20-25 मिनट का, बट आप उसको देखोगे तो आपको बिल्कुल मज़ा आने वाला है। तो आप उसको ज़रूर देखना और इन्जॉय करना वीडियो का, और कमेंट करके ज़रूर जाना। तो आप यहाँ तक हमारे साथ बने रहे, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बड़ों को नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो अपना प्यार इस तरह से बनाए रखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो पे नहीं हो तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर हिट करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय